नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा 2020 तक पक्की सड़कों से जोड़ दिए जाएंगे बिहार के सभी गांव और टोले। पटना के विक्रम इलाके में लगातार चौथे दिन 300 से अधिक मुर्गे मुर्गियों की मौत, अब तक मर चुके हैं 3000। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2020 तक पक्की सड़कों से बिहार के सभी गांव और टोलों को जोड़ दिया जाएगा। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षात्मक बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव चल रहा है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पटना और जहानाबाद में सड़क निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से पुल का भी निर्माण कराया जाएगा। विभागीय मंत्री ने कहा कि पुनपुन नदी पर लक्ष्मण झूला की तर्ज रहा है। इधर बर्ड फ्लू का वायरस अन्य इलाकों में फैलने की सूचना के बाद प्रशासन ने एहतियाती उपाय तेज कर दिए हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को 19 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। बरेली पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से आए दो विशेषज्ञों की टीम ने पटना चिड़ियाघर के भ्रमण के बाद इसे बंद रखने का सुझाव दिया था। इधर मुंगेर, नवादा और भागलपुर के भी कई इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की सूचना मिली है। चिकित्सकों ने लोगों से चिकन और अंडा समेत अन्य पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करने में सावधानी बरतने की अपील की है। राज्य में 3 माह के भीतर आधुनिक चिकित्सा के तहत 3100 एलोपैथ चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार की ओर से नवगठित बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से इन चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह जानकारी दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं में पंजीकरण के लिए तारीख बढ़ा दी है। अब 10 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। बिना विलंब शुल्क के साथ 5 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की गई थी। तिथि बढ़ाई जाने से स्कूल और कॉलेज प्रशासन 10 जनवरी तक छात्रों का परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 44,001 अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल की है। केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए 31 जनवरी तक केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने पर सेवा बंद कर दी जाएगी। इस संबंध में केबल ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों को मैसेज भी भेज रहे हैं। केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को सेटअप बॉक्स पर लिखा नंबर के साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी देना होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिख रहा है। ठंड में बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। उत्तरी और पश्चिमी हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है। ठंड से पटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। इधर दृश्यता 100 मीटर तक पहुंच गई है, जिसके कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर प्रभाव पड़ा है। कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बूंदाबांदी की संभावना है। इधर ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा 9 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। वहीं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से चलाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राजगीर में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की स्मृति में भव्य गुरुद्वारा का निर्माण प्रकाश उत्सव होने वाला है। इस दिन सरकारी स्तर पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। भाजपा के दिवंगत विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा की स्मृति में आज बिहार भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। रेंट ए कैब स्कीम के तहत पटना में 70 रूपये प्रति घंटा किराए पर कार उपलब्ध होगी। राज्य परिवहन विभाग ने इस सेवा की शुरुआत की है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए प्ले स्टोर में जाकर जूम कार ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन 3000 रूपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। गाड़ी वापस करने पर यह राशि लौटा दी जाएगी।
पूर्व मध्य रेल ने आरा और रांची के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरा सासाराम रांची के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जायेगी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर से पटियाला जेल में प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के बरगछिया गांव में आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में आधा दर्जन मवेशी भी जल गए। बिहार मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताबी मुकाबला आज भागलपुर के रितेश अक्षय और भागलपुर के ही मिथिलेश कुमार के बीच होगा। पटना में आयोजित इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में रितेश ने मुजफ्फरपुर के केपी प्रभाकर और मिथिलेश ने पटना के अजय कुमार को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई है। बिहार बैडमिंटन संघ के सूत्रों ने बताया कि 55 वर्ष आयु वर्ग में पटना के नीरज कुमार और पटना के ही प्रदुष इंदवार के बीच फाइनल मुकाबला होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, मुंबई की विशेष अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। एक अन्य खबर पर अखबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखता है, राजगीर में गुरुद्वारा का निर्माण 11 जनवरी से। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की कर्ज माफी पर हो रही राजनीति, झूठ बोल रहे लोग। दैनिक भास्कर ने लिखा है समाचार, केंद्र सरकार ने कहा 2020 तक पक्की सड़कों से जोड़ दिए जाएंगे बिहार के सभी गांव और टोले। पटना के बिक्रम इलाके में लगातार चौथे दिन 300 से अधिक मुर्गे मुर्गियों की मौत, अब तक मर चुके हैं 3000 मुर्गे मुर्गियां। पटना समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज से 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, बूंदाबांदी की संभावना। और पटना में आज बिहार मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का होगा खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की अवैध रेत खनन के संबंध में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कल 14 ठिकानों की तलाशी, 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भारी हिमपात और बारिश से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त, दिल्ली और आसपास इस मौसम की पहली बारिश। सिडनी टेस्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे दिन के खेल में बारिश के कारण देरी। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को समानता और सामाजिक न्याय के साथ लागू किया गया है। ओडिशा में कल बारीपदा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य विकास, सबका विकास, देश का विकास और संपूर्ण विकास करना है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है ताकि सामान्य जनता का जीवन आसान बन सके। विकास, सबका विकास, तेज विकास और संपूर्ण विकास, ये केंद्र सरकार की कार्य संस्कृति है, संकल्प है, हमारे संस्कार है। बीते 4.5 वर्षों से सरकार ने ऐसे विकास का रास्ता चुना है जिस पर नए भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण हो सके। विकास का सीधा असर सामान्य मानवीय के जीवन पर पड़ता है और इसलिए हमारा फोकस बुनियादी सुविधाओं पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने राजमार्ग, पूर्व और उत्तर पूर्व राज्यों में राजमार्ग, रेलमार्ग और वायुमार्ग बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इन परियोजनाओं से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार के कथित रूप से काम न करने की शैली की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी थी, ये क्रिश्चियन मिशेल के पत्र से उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून से कोई बच नहीं पाएगा।
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए इसे ओडिशा की जनता के लिए नव वर्ष का उपहार बताया। झारखंड में पलामू में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण लोगों को घर प्रदान करने के लिए काम कर रही है और ये काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछली सरकार के काम के मुकाबले 5 गुना तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार पर मंडल बांध परियोजना के काम को 47 साल लटकाए रखने के लिए आपराधिक अनदेखी का आरोप लगाया। इससे 30 करोड़ की लागत बढ़कर 2400 करोड़ रुपए हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी नमो ऐप के जरिए आज अनंतपुर, कडप्पा, कुरनूर, नरसारापेट और तिरुपति के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसे पार्टी के फेसबुक पेज और ब्लॉग पर उसी समय देखा जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में कई स्थानों पर छापे मारने के बाद 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें हमीरपुर की तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में दायर प्राथमिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जांच के दायरे में हैं। 2012 से 2013 के दौरान खनन मंत्रालय का प्रभार उनके पास था। सीबीआई खनन मंत्रालय में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से भी पूछताछ कर सकती है। एफआईआर के अनुसार 2012 से 2016 के दौरान तत्कालीन खनन मंत्रियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर, लखनऊ तथा दिल्ली में 12 स्थानों पर छापे मारे। छापे के दौरान अवैध बालू खनन से संबंधित सामग्री के अलावा भारी मात्रा में नकद और सोना बरामद किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल जोधपुर के सीमांत इलाकों में 6000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने कहा कि वे कार्य की गुणवत्ता, लागत में कमी, परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने और सड़क तथा पुल निर्माण में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर सदैव बल देते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पापा, कल मैं 15 की हो जाऊंगी, कहीं ले चलो। हाँ हाँ, चलेंगे ना पोस्ट ऑफिस। मेरा मतलब घुमाने ले जाने से था। घूमने भी जाएंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस पहले जाएंगे। लेकिन क्यों? 5 या 15 की उम्र पर आधार में बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाने होते हैं। ये अपडेट पोस्ट ऑफिस या बैंक के आधार केंद्र पर होता है। और उसके बाद मूवी। हाँ हाँ, उसके बाद मूवी। आधार केंद्रों की लिस्ट UIDAI.gov.in पर या 1947 पर कॉल करके मिलेगी। मेरा आधार, मेरी पहचान। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। दुबई से हाल ही में प्रत्यर्पण के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मिशेल को 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में धन शोधन के आरोपों में उसे 7 दिन की हिरासत में भेजा गया था। इस सिलसिले में सीबीआई के एक मामले में उसे तिहाड़ जेल में रखा गया था। मुंबई की एक विशेष अदालत ने फरार कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत की गई है। ये कानून लागू होने के बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने वाला माल्या पहला व्यवसायी है। ये कानून पिछले वर्ष लागू किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण को दिल्ली का प्रभारी, हरियाणा के लिए कलराज मिश्र को प्रभारी और विश्वास सारंग को उप प्रभारी बनाया गया है।
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दादरा और नगर हवेली में सिलवासा में आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वे बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में रोजगार और शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए आय की सीमा 4.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 8 लाख रूपये कर दी गई है। जम्मू में राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 का लाभ प्राप्त करने के लिए बढ़ाई गई आय सीमा को अनुमति दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने बताया कि प्रत्येक राज्य की स्कूली शिक्षा प्रणाली में कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उनके कामकाज की ग्रेडिंग 70 मानकों की कसौटी पर 1000 अंकों के पैमाने से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुंभ शुरू होने में 9 दिन शेष हैं। राज्य सरकार मेला क्षेत्र में व्यवस्था को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। राज्य के मंत्री देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुंभ मेला शहर का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के गंगा नदी को स्वच्छ रखने के मद्देनजर गाजियाबाद जिले में 25 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें बूचड़खाने, कागज मिल, वस्त्र उद्योग और शराब बनाने के कारखाने शामिल हैं। उत्तरी पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में कल 5 इंच बर्फ गिरी। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फबारी और फिसलन के कारण वाहनों का आना जाना बाधित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने से शीतलहर बढ़ गई है। पर्यटकों और आम लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं जाने को कहा गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ और औली में कल फिर हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी और वर्षा की चेतावनी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम कोहरा छाया हुआ है। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, गंगोत्री, औली और मुनस्यारी से बर्फबारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। दिल्ली और आसपास आज इस मौसम की पहली बारिश हुई। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कल मामूली सुधार देखा गया। मौसम विभाग ने चक्रवात पाबुक के आज शाम तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचने की चेतावनी जारी की। पोर्ट ब्लेयर मौसम कार्यालय के अनुसार चक्रवात पाबुक पोर्ट ब्लेयर के 370 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व अंडमान सागर पर केंद्रित है। एक रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान पाबुक के प्रभाव से द्वीप समूह के कई भागों में आज सुबह से वर्षा हो रही है। हवा की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इसके बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। बाद में ये तूफान उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए म्यांमार तट की ओर निकल जाएगा और 7 और 8 जनवरी को धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। चक्रवाती तूफान को देखते हुए जहाजरानी विभाग की ओर से आज अंतरद्वीपीय जलयान सेवाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन शहीद और स्वराज द्वीप में पर्यटकों को लाने के लिए सरकारी जलयानों के साथ साथ निजी जलयानों को भी इन द्वीपों के लिए रवाना किया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर बने रहने को कहा गया है। मछुआरों से कहा गया है कि वे समुद्र में ना जाएं। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल की 2 टीमों की तैनाती कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए एम मोसिन के साथ पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण अभी शुरू नहीं हो सका है। कल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने 7 विकेट पर 622 रन बनाकर पहली पारी घोषित की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने विजय माल्या को मुंबई की विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने और साथ ही आदेश के बाद उसकी देश और विदेश की संपत्तियां कुर्क करने का रास्ता साफ होने की खबर सुर्खियों में दी है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, माल्या का पूरा माल जब्त करने का अब रास्ता खुला। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, नए कानून का पहला शिकार। खनन घोटाले में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी भी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता ने रेत खनन मामले पर एक आईएएस अधिकारी सहित कई अन्य की भूमिका की जांच की बात कही है। अमर उजाला ने लिखा है, सपा कार्यकाल के खनन घोटाले में 14 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। राष्ट्रीय सहारा ने पूरे मामले को विस्तार से देते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश में खनन मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। देशबंधु ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार बिचौलिए मिशेल के दूसरे रक्षा सौदों में भूमिका पर संदेह होने और उसकी जांच में अदालत के रुख को अहमियत दी है। उत्तर प्रदेश में खत्म हुई महागठबंधन की संभावना, लिखा है दैनिक जागरण ने। दैनिक भास्कर ने कुंभ मेला क्षेत्र में ई रूपये और स्वाइप मशीन से दक्षिणा स्वीकार करने का समाचार दिया है। अखबार लिखता है, 10 में से 4 श्रद्धालु स्वाइप मशीन से दक्षिणा दे रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो देवी में बर्फबारी के बाद हेलीकॉप्टर और केबल कार सेवा बंद की गई, लिखा है नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा ने। राजस्थान पत्रिका का पहला पन्ना अंतरिक्ष के अनुसंधान और अभियान पर आधारित है। अखबार ने लिखा है, भारत की अंतरिक्ष में कोशिश धीमी लेकिन मजबूत। अखबार ने चंद्रयान के कार्य और समूची प्रणाली पर विस्तार से आलेख दिया है और लिखा है, धर्म की धारणाएं विज्ञान से नहीं बदलेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अवैध रेत खनन के संबंध में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कल 14 ठिकानों की तलाशी ली। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भारी हिमपात और बारिश से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त। और सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।